अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो ओस्मलाने बचत है। ये हमारे सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको तपावली बचत पढ़ाया था कि वो क्या होता है, फंक्शन रिलेशन पढ़ा था हमने इनकम एंड सेविंग का। फर्दर जो है हमने आप डिस्कस करना है कि इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं और इसके ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा। ये नंबर वन पे है जी ओस्मलाने बचत, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, एपीसी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये एपीएस है। इसको हमने बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करना है। आमदनी और बचत की बाहिमी निस्बत, यानी आमदनी का एक ख़ास मयार है, उसके ऊपर हमारी कितनी बचत हो रही है, उनकी रेशो ले लेंगे तो हमें ओस्मलाने बचत हासिल हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर एपीएस इज इक्वल टू एस ओवर वाई, यानी एस हमारी बचत है, वाई हमारी इनकम है और एपीएस जो है वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ओस्मलाने बचत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स है जिसकी आमदनी 1000 रुपये है, 800 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 200। कैसे पता चलेगा? 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये सेविंग है, सेविंग को यहाँ लिखेंगे, इनकम 1000 यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो 0.2, ये हमारी ओस्मलाने बचत आ जाएगी। ठीक, अब जो एपीएस है वो एपीसी का इन्वर्स है, इन दोनों का जो ऐड कर लेंगे, इन दोनों का मजमुआ जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, यानी एपीसी इज इक्वल टू APS, APC plus APS is equal to 1। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक गिवन हो तो हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल APS मालूम करने को कहा जाए और APC दिया गया हो तो 1 माइनस APC करेंगे तो APS मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मुख्तिती मिलाने बचत, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, यानी ये भी तब्दील शुदा आमदनी तब्दील शुदा बचत की बाहिमी निस्बत है कि जो आमदनी चेंज हुई है उसकी वजह से कितने हमारे सेविंग में चेंज आया, तो उनकी रेशो हम ले लेंगे तो हमें एमपीएस मालूम हो जाएगा। ये देखें, लिखा हुआ है एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा चेंज को शो कर रहा है, डेल्टा वाई चेंज को शो कर रहा है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम। अब इसमें भी देखें, बिल्कुल जैसे एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 था, बिल्कुल वैसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस जो है वो भी 1 के इक्वल है। और अगर इनमें से कोई एक हमें गिवन हो, यानी फॉर एग्जांपल एमपीसी गिवन है और एमपीएस मालूम करने को कहा जाए तो हम एमपीसी को वहाँ ले जाएंगे, और अगर एमपीएस गिवन और एमपीसी मालूम करने को कहा जाए तो हम इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, 1 माइनस एमपीएस कर देंगे तो हमें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल दियो कि एक शख्स जिसकी आमदनी 1000 थी, पहले 1000 से बढ़कर कितनी होगी? 1500। तो डेल्टा वाई कितना हुआ? 500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 500 हमें चेंज हासिल हो जाएगा। अब जब उसकी 1000 आमदनी थी तो वो 800 खर्च करता था, सेविंग कितनी थी तब उसकी? 200, जैसे ऊपर भी हमने डिस्कस किया। अब जब आमदनी बढ़कर 1500 हो गई तो कितना खर्च कर रहा है? वो खर्च कर रहा है, वो 1000 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब उसकी खर्च वो कितना कर रहा है? 1000 रुपये। तो सेव कितना कर रहा है? 500 सेविंग। अब चेंज इन सेविंग कितना हुआ ये देखना हमने, 500 में से पहले वो 200 सेव करता था, अब वो 500 सेव कर रहा है, तो चेंज इन सेविंग कितना हुआ है? वो हुआ है 300। ठीक है, 300 चेंज इन सेविंग है। अब 300 डेल्टा एस की जगह पे लिखेंगे, डेल्टा वाई की जगह पे 500 जब लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा आंसर। ये हमारा मुख्तिती मिलाने बचत कहलाएगा। अब आ जाते हैं, अब एक टेबल है यहाँ पर, टेबल के जरिए से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें इनकम ली गई है, सेकंड कॉलम में कंजम्पशन है, थर्ड कॉलम में सेविंग है, फोर्थ कॉलम में एपीएस यानी ओस्मलाने बचत है, और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें मुख्तिती मिलाने बचत यानी एमपीएस दिया गया है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अब देखिए, जब इनकम 2000 है तो वो खर्च कर रहा है 2400। ये वही वाला कॉलम है जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में किया है, बस फर्क वहाँ उधर और इस पर इतना है कि यहाँ पर बचत ले ली गई है, वहाँ पे सिर्फ खर्च की बात की थी। यहाँ ओस्मलाने बचत आ गया है और मुख्तिती मिलाने बचत आ गया, वहाँ ओस्मलाने सर्फ था और मुख्तिती मिलाने सर्फ था, और बचत का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर देखें, जब आमदनी 2000 है और कंजम्पशन 2400 है तो सेविंग कितनी हो रही है? -400, यानी वो अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहा है, -400, यानी वो लोन ले के खर्च कर रहा है। तो ये माइनस का साइन ही इस बात को, जिस सेविंग को शो कर रहा है, लोन को शो कर रहा है कि वो जो है अपनी आमदनी से 400 ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट आ जाए तो 3000 जब उसकी इनकम थी तो खर्च कितना कर रहा था? 3300। अभी भी देखें, खर्च उसका आमदनी से ज़्यादा है तो -300। जब नेक्स्ट इनकम 4000 हुई तो उसका खर्च भी 4000 हो गया, तो कोई सेविंग नहीं है, इक्वल हो गया।
जब इनकम 5,000 हुई तो खर्च 4,500 हो गया, तो सेविंग कितनी हो गई 500। अब वो सेव कर रहा है, अब ये डिस सेविंग नहीं है, अब ये सेविंग है। सेम एज आगे हम देख लेंगे 6,000 है तो 4,800 खर्च कर रहा है तो 1,200 सेविंग होगी। अब APS कैसे मालूम करेंगे कि हम सेविंग को इनकम पे डिवाइड कर देंगे, सेविंग को इनकम पे डिवाइड कर देंगे। आप इसको जब डिवाइड कर लेंगे 400 डिवाइड बाय 2,000, 300 डिवाइड बाय 3,000, 0 डिवाइड बाय 4,000, जब इसी के से करेंगे तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट्स में, ठीक है। ये APS कहलाएगा। MPS कैसे मालूम करेंगे कि डेल्टा एस, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम तो सबका सेम है, चेंज इन इनकम 1,000, 3,000 माइनस 2,000 1,000, 4,000 माइनस 3,000 1,000 आ जाएगा, तो ये सबका सेम रहेगा, ठीक है। चेंज इन इनकम सेम है। चेंज इन सेविंग कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे 300, इसको से इसमें से माइनस करेंगे 500, 1200 में से 500 माइनस करेंगे 700, 2100 में से 1200 माइनस करेंगे 900, तो ये हमारा चेंज इन सेविंग आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स पॉइंट्स में आंसर्स आ जाएंगे, ये हमारा MPS कहलाएगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये नीचे मेंशन है। इसके बाद हमने ग्राफ बनाना है, इस टेबल को आप रहने दें, इस यहाँ पे ग्राफ देखिए किस तरीके से बनाया गया। ग्राफ में सबसे पहले जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, सबसे पहले वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर हम अपने यहाँ से एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे फोर क्वाड्रेंट्स बनते होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हम इनकम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम अपनी सेविंग लेंगे। जैसे आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पर, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। यहाँ पे देखें वो 1,000, 2,000, 3,000 इसको लेबल कर दिया गया इनकम को और यहाँ पर सेविंग को। और इनका ख्याल रखना है कि इनका जो डिस्टेंस है, जो स्केल है वो सेम है। जैसे 1,000 का डिफरेंस लिया तो 1,000 का ही लें, ऐसे नहीं यहाँ पे 500 लिख दिया है तो यहाँ पे फिर आ जाए 1,500, फिर वापस 2,000, ऐसे नहीं। हमने डिफरेंस जो है इनका आपस में सेम लेना है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 500 का डिफरेंस लिया गया है तो वो सब में 500 का ही डिफरेंस है, यहाँ पे 1,000 का लिया है तो सब में 1,000 का ही डिफरेंस है। अब इनको लेबल कर लेंगे, इनके पॉइंट्स ले लेंगे कि 1,000 जब इनकम हमारी 2,000 थी तो हमने कितनी सेविंग की, जब 3,000 थी तो कितनी सेविंग थी, 4,000 थी तो कितनी सेविंग थी। आप उनको पॉइंट्स को लेबल कर लेंगे, पॉइंट्स लगा लेंगे, उन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का कर्व हासिल हो जाएगा इनकम का, इस तरह से। ये जो नीचे वाला पोर्शन जो इस लाइन एक्स एक्सिस से नीचे लाइन आई है वो इसी बात को शो कर रही है कि डिस सेविंग है हमारी, इन सेविंग जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव सेविंग है, इसलिए ये वाला जो नीचे लाइन है ये नेगेटिव सेविंग को शो कर रही है, जो इससे ऊपर है वो पॉजिटिव को शो कर रही है, ठीक है। और जो ये डेल्टा वाई और डेल्टा एस शो किया गया है, ये MPS के लिए शो किया गया है कि डेल्टा वाई चेंज इन इनकम के 5,000 से 6,000 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ और इसकी वजह से हमारी सेविंग में कितना चेंज आया है, तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है। और यहाँ पर डेल्टा वाई जो है चेंज इन इनकम को शो कर रहा है, ये बेसिकली MPS को शो करने के लिए यहाँ पर ये ड्रॉ किया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।